हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस देखिए कितनी सारी इसमें शिमला मिर्ची आ रही है। मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है गाइस, अगर वो देखना चाहते हैं तो आप, मैं लिंक दे दूंगी। देखिए इतनी पहले मैं तोड़ चुकी हूँ, इससे भी ज़्यादा, और अब देखिए कैसी आ रही हैं। ये देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी हो जा रही हैं। अभी तो ये वाली थोड़ी छोटी है और बाकी सारी बड़ी, ज़्यादातर बड़ी है। ये देखिए बहुत बड़ी है, ये इतनी बड़ी, बताओ इतनी तो बाज़ार में भी नहीं मिलती हैं, इतनी बड़ी बड़ी हो। कभी कभी मिलती भी है इतनी बड़ी, लेकिन हाँ देखिए। तो गाइज अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इसमें ऐसा क्या डाला और कैसे केयर की है, तो ये अभी तक आ रही हैं। जब भी मैंने आपके साथ शेयर किया तब भी आई रही थी और अभी भी आ रही हैं। तो आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। मतलब फर्स्ट नोटिफिकेशन का मतलब है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो पहले आप तक पहुँचेगा। ओके गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है कमाल, खाद का ही कमाल होता है। बाकी मैं तो ऑर्गेनिक ही खाद डालती हूँ, ज़्यादातर केमिकल तो इसमें डालती नहीं हूँ, क्योंकि खाने के पीने की चीज़ तो बिल्कुल केमिकल नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि ये खाने की चीज़ें हैं। गाइस अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। पहले मैं ये बता देती हूँ, उसके बाद मैं सारा कुछ शेयर करती हूँ। ये देखिए गाइस, ये जो है आप जो ये प्लांट देख रहे हैं वो है नर, और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है नर, ये वाला, और ये है जिस पे लगी हुई है, ये है मादा। यानी कि अगर आपके पास ऐसा प्लांट आ जाता है जिसमें सिर्फ फूल लग के झड़ जाते हैं एक दो और बाकी इसमें नहीं आती हैं, तो आप वो प्लांट निकाल कर फेंक दीजिए। मैं भी ये निकालने वाली हूँ। फालतू में इसका जो भी मैं देखिए इस पर कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं इस पर कुछ भी नहीं है, और आप भी इसको निकाल दीजिए, क्योंकि फालतू में ये क्या हो रहा है कि देखो छोटी छोटी ऐसी ऐसी आके, ये देख रहे हैं ये वाली ऐसे आके झड़ जा रहे हैं। इस पर फूल आता है थोड़ा छोटा छोटा और झड़ जाते हैं, और थोड़ी सी ऐसी बनती है फिर निकल जाती है, झड़ जाती है। ये देखिए इसमें भी ऐसे ही फूल आ रहा है, और बस फूल ही आएगा, मिर्ची नहीं आएगी। देखिए इसमें कितनी सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, ये देखिए फ्लावर्स तो आते हैं पर शिमला मिर्ची नहीं बनती है इसमें। ये मादा नहीं होती, ये नर है, क्योंकि इसमें वो नहीं बनता है, फूल बनता है पर फ्रूट नहीं बनता है इसमें। तो इसमें कितना भी आप कुछ भी डाल लो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके गाइस, तो एक तो ये बात हो गई आपसे शेयर करने की। दूसरी बात ये है कि हमारी मिट्टी अच्छी होना चाहिए, जिसमें मिट्टी में होना चाहिए 1% मतलब मिट्टी इसमें कम से कम, नहीं तो आप डालें 40%, और 30-40% आप डाल दें खाद, ठीक है, और बाकी की इसमें रेत होना चाहिए। तो ये एकदम पोरस मिट्टी होती है, और इसको मिट्टी के जो तत्व हैं वो भी मिलते हैं, खाद के जो भी हैं वो भी मिलते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने और ऐसा क्या डाला, तो आप वो भी मैं शेयर करूंगी लास्ट में, हर चीज़ शेयर करने वाली हूँ। गाइस शिमला मिर्ची का एक टाइम वक्त होता है जो आप हमेशा उगा सकते हो, लेकिन क्या बोलते हैं, जब भी अपन शिमला मिर्ची के सीड डालते हैं तो हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है। टेम्परेचर अगर बराबर रहा, 30 के अंदर रहा, तो हमें टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना होता है। 30 के अंदर टेम्परेचर में ये अच्छी ग्रो होती हैं। अगर 30 जाता है तो ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं और फ्रूट इतना अच्छे से नहीं बन पाता है। ओके गाइस, तो आप अगर इसको टेम्परेचर सही देंगे, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मतलब किस तरह से कौन से टेम्परेचर में उगाया, तो मैंने कमेंट में भी लिखा हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये 20 के अंदर भी बहुत अच्छे से, 20
अंडर 20 भी बहुत अच्छे से ग्रो होती है, यानी कि टेम्परेचर 20 के अंदर हो तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। हमारे पास 20, 22, 25 ऐसा था, ऐसा है, अभी भी 30 के अंदर ही है। तो मेरे पास ये कैसी इस कदर आ रही हैं। और मैं क्या बोलते, ये देखिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ है, ये देखिए कितनी, आप बोलेंगे कि ये, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। देखिए मैंने इसमें इसी में लगाना बताया था आपको, ये देखिए अब ये मैं ट्रांसप्लांट करूँगी, ओके, तो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ट्रांसप्लांट भी करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें डालिए मतलब अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, जो कि जो प्याज और प्याज का बनाया हुआ है वो, उसमें वो डाला है मैंने। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मेरे चैनल पे हैं वो मेरे, मैंने सारे डालती हूँ मैं, वो ही डाला है मैंने। और देखिए कितने अच्छा रिजल्ट है। और मिट्टी में तो आपको बता ही दिया, पानी इसको मॉइस्ट रखना है मिट्टी को, वो भी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आज भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी मॉइस्ट रहेगी तो ये, अभी ये देखिए मैंने पानी कल दिया था, अब इसमें पानी सूख गया है, क्योंकि ये फ्रूट है इसमें तो इसमें वैसे भी ये बहुत ज़्यादा पोरस मिट्टी पसंद करते हैं ये लोग, ये शिमला मिर्ची, तो वेल ड्रेन्ड मिट्टी होना चाहिए, और यानी कि मिट्टी के तत्व भी मिले और खाद के, और पोरस उससे बनती है, थोड़ा सैंड डालते हैं जो 20%, उससे पोरस पोरस बन जाती है ये मिट्टी। और हमने इसमें अलावा भी हमने कुछ डाला है, जो धान का छिलका होता है वो हमने मिलाया हुआ है, इसलिए ये और पोरस है ये मिट्टी, देखिए ये देखिए। अगर आपको वो भी मिलाना है तो आप 30% वो भी मिला सकते हो, ओके गाइस, तो 130 हो जाता है ये आपका मिक्सचर, सॉइल मिक्सचर, तो आप इसी तरह से आप डाल दीजिए। और बाकी मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र में जो वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र है वो मैंने दिया है, काउडंग फर्टिलाइज़र है, काउडंग टी फर्टिलाइज़र वो भी मैंने दी है, और बनाना पील भी मैंने डाले हैं, इसलिए ये देखिए बनाना पील फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मेरे चैनल पे है वो भी आप डाल दीजिए, तो देख के डाल दीजिए कैसे बनाया मैंने और कैसे डाला है, बस उतना ही ख्याल रखना पड़ता है। और बाकी रोज़ाना पानी दीजिए आप, फ्रूट हैं तो भी रोज़ाना, वैसे भी रोज़ाना, इसको भी मैं रोज़ पानी, मतलब अभी तो बारिश हो रही है तो मैं पानी नहीं दे रही हूँ, 4-5 दिन से बारिश हो रही है तो मैं पानी नहीं दे रही हूँ। तो गाइस अब मैं क्या करूँगी, चलिए अब मैं बताती हूँ, देखिए कितने कितने सारे, ये भी देखिए कितने सारे, इतने से छोटे में लगा हुआ है, ये पूरा बैंड हो जा रहा है, झुक जा रहा है, पर देखिए आप किस तरह से लगी हुई है। तो अभी मैं ये मैंने मिट्टी ली है, एक हिस्सा मैंने खाद लिया है, एक हिस्सा खाद लिया है, एक हिस्सा रेत ली है और एक हिस्सा मिट्टी है, तीनों को आपस में मिला लिया है, और थोड़ी सी बोन मील डाली है, बोन मील फ्रूट के लिए। अब मैं मतलब मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ और बताती हूँ आपको, मतलब एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि इसमें अगर अच्छा आया रिज़ल्ट, यानी कि इससे इतने जल्दी जल्दी और फटाफट इसमें ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हुई, तो मैं आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। और ये मैं इसमें लगाने वाली हूँ तो मैं निकाल लेती हूँ, देखिए मैंने ये लगा दिया, मैंने एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा वो लिया है रेत और एक हिस्सा खाद है, गोबर खाद, सड़ी हुई खाद, तो मैंने ये लगा दिया है। अब मैं पानी देती हूँ, गाइस पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि जब अपन कुछ प्लांट लगाते हैं तो पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, एक बार फिर जब तक ये मॉइस्ट रहे जब तक हमें पानी नहीं देना है, क्योंकि अभी अभी प्लांट लगा हुआ है, जब सूखने लगे बिल्कुल तब हमें पानी देना है।
क्योंकि इसमें अभी लीफ भी नहीं है तो पानी जल्दी सूखेगा नहीं, सिर्फ रूट पिएगी। और रूट ब्रांच तो है नहीं अभी, क्योंकि ब्रांच तो आएगी। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दी, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए फ्रेंड सर्कल में। सो बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।